किसान भाइयों नमस्कार कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ गन्ना सर्वेक्षण में पारदर्शिता और शुद्धता बरतने के निर्देश राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना की शुरुआत प्रत्येक गांव को मिल रहे पचहत्तर लाख रुपए खाद्य सब्सिडी के लिए पच्चीस करोड़ रुपए जारी और अब समाचार विस्तार से देश में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ग्राम उदय से भारत उदय एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का स्थायी विकास पांच से पचास बड़े उद्योगपतियों से नहीं होने वाला भारत का विकास अगर हम सच्चे अर्थ में और टिकाऊ करना है तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा तभी उस पर विकास की इमारत हम स्थायी रूप से बना सकते हैं इसलिए इस बार बजट भी पूरी तरह गांव और किसानों को समर्पित है और बजट में लंबे समय तक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिले नई गति मिले नई ताकत मिले इस पर बल दिया गया है हमारे जितने भी विकास के स्रोत हैं सारे विकास के स्रोत को गांव की ओर मोड़ना है उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने प्रदेश के समस्त उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें गन्ना सर्वेक्षण शुद्धता एवं पारदर्शिता से करने के कड़े निर्देश दिए उन्होंने कहा कि गन्ना सर्वेक्षण संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर उनके त्वरित निस्तारण हेतु मोबाइल टीमें गठित की जाएं। इनके लिए अतिरिक्त गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित कर उन्हें दंडित करने का भी निर्देश दिया गया गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने सर्वेक्षण करते समय अंत फसलों फार्म फॉरेस्ट्री एवं एग्रो फॉरेस्ट्री का विवरण भी दर्ज करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार ट्रंच विद से बुआई करने वाले कृषकों के खेतों का विवरण भी गन्ना सर्वेक्षण के समय दर्ज किया जाए गन्ना पेराई सत्र 2016-17 सत्रह हेतु तो गन्ना सर्वेक्षण कार्य आगामी 1 मई 2016 से आरंभ होकर 20 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा गन्ना सर्वेक्षण के प्रमुख अवयवों में सर्वेक्षण प्रक्रिया निरीक्षण अनुश्रवण बेसिक कोटा की सामायिक तैयारी सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन नए सदस्यों की भर्ती उपज बढ़ोतरी हित प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं प्री कैलेंडर का प्रकाशन आदि बिंदु सम्मिलित है इसके अतिरिक्त गन्ना सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए बेसिक कोटा पर ही गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति हेतु पर्चिया निर्गत की जाती हैं, जिसके माध्यम से कृषक चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं देश में राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना की शुरुआत की गई है जिसके चलते देश के कहीं के भी किसान अपनी कृषि उपज कहीं पर भी अच्छी कीमत देकर बेच सकेंगे यह yes, शुरुआत किसानों को उनकी कृषि उपज की अच्छी कीमत दिलाने का एक अच्छा माध्यम हो सकती है फिलहाल अधिकांश राज्यों में एवं संघ शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय मंडी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है और 12 राज्यों की तीन मंडियों को इसमें शामिल करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है तथा 8 राज्यों की 21 मंडियों में ई ट्रेडिंग पोर्टल का शुभारंभ भी हो गया है भारत सरकार ने कृषि विपणन सुधारों को गतिमान करने के लिए जिससे किसानों को कृषि उत्पादों के अच्छे दाम मिल सके राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना का 1 जुलाई 2015 को ही अनुमोदन कर दिया था इस योजना को 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रारंभ किया गया व मार्च 2018 तक पांच सौ विनियमित मंडियों को सामान्य ई मार्केट मंच के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया चूंकि कृषि विपणन सुधार प्रक्रिया राष्ट्रीय कृष्ण मंडी इसका अभिन्न अंग है इसलिए राष्ट्रीय कृष्ण मंडी योजना में एकीकरण के लिए राज्यों के ए अधिनियमों में पूरे राज्य में व्यापार हेतु तो एकल लाइसेंस की मान्यता बाजार शुल्क की एकल बिंद उगाई और मूल्य की खोज के लिए एक विधा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रावधान की शर्त रखी गई है हालांकि कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय कृष्ण मंडी में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की किंतु मंडियों में एकीकरण के लिए विस्तृत प्रस्ताव 12 राज्यों से तीन सौ पैंसठ मंडियों के ही प्राप्त हुए थे इनमें से आठ राज्यों गुजरात तेलंगाना झारखंड, मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 21 मंडियों को राष्ट्रीय कृष्ण मंडी के लिए ई मार्केट मंच के शुभारंभ के लिए चुना गया है पायलट लॉन्च करने के लिए आठ राज्यों और 21 मंडियों की सूची और राष्ट्रीय कृष्ण मंडी में ऑनलाइन व्यापार किए जाने वाली 25 जीसों की सूची में बनाई गई है योजना प्रयोग के तौर पर सफल रहने के बाद इसमें देश की और भी मंडियों तथा कृषि उपजों को शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार के खजाने से एक गांव को करीब करीब पचहत्तर लाख रुपए से ज्यादा रकम दी जाती है और हमारे गांव अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायतें एक लोकतांत्रिक संस्था है देश संविधान की मर्यादाओं कानून व्यवस्था और नियमों से चलता है ग्राम पंचायतों के अंदर भी यह भावना प्रज्वलित रखना और निरंतर चेतना जगाए रखना आवश्यक है और इसलिए गांव में पंचायत व्यवस्था अधिक सक्रिय कैसे हो अधिक मजबूत कैसे हो दीर्घ दृष्टि वाली कैसे बने उस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता गांव गांव में एक चेतना जगाकर करके हो सकती है यही ग्रामोदय से भारत उदय का मंत्र है सरकार ने खाद्य सब्सिडी के रूप में एफ को पच्चीस हजार आठ सौ चौतीस करोड़ रूपए जारी किए हैं इसके अलावा पारिश्रमिक एवं साधन के अग्रिम के तौर पर दस हजार करोड़ रूपए शीघ्र ही जारी किए जाएंगे एफ अधिकतम तीस हजार करोड़ रूपए तक के अल्पकालिक ऋण भी बैंकों से जुटा रही है जब आवश्यकता महसूस होगी तो एफ इन ऋणों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएगी एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार धन राशियों को आपस में मिला देने पर रबी फसलों की खरीद के प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे रबी फसलों की खरीद अभी हाल में ही शुरू हो चुकी है किसान भाइयों आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद एक हजार पांच सौ पैंतीस प्रति क्विंटल मेरठ एक हजार छह सौ चालीस रुपए उन्नाव एक हजार पांच सौ पच्चीस रुपए और लखनऊ की मंडी में एक हजार पांच सौ पचास प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद दो हजार तीन सौ प्रति क्विंटल मेरठ दो हजार तीन सौ पचास उन्नाव दो हजार एक सौ पचासी रुपए और लखनऊ की मंडी में दो हजार एक सौ अस्सी रुपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद आठ रुपए प्रति क्विंटल मेरठ पांच रुपए उन्नाव छह रुपए और लखनऊ की मंडी में एक रुपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद आठ रुपए प्रति क्विंटल मेरठ नौ सौ उन्नाव एक रुपए और लखनऊ की मंडी में एक रुपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद छह सौ तीस रुपए प्रति क्विंटल मेरठ चार सौ पचास रुपए उन्नाव एक हजार रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ एक हजार रुपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद पांच सौ दस रुपए प्रति क्विंटल मेरठ आठ सौ पचास रूपए उन्नाव पांच सौ पचास रुपए और लखनऊ की मंडी में आठ सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लौकी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद छह सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल मेरठ आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल उन्नाव एक हजार पचहत्तर रूपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में लौकी का भाव एक हजार दो सौ रूपये प्रति क्विंटल रहा प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लहसुन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मेरठ तीन हजार सात सौ रुपए प्रति क्विंटल उन्नाव चार हजार छह सौ रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में चार हजार पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले का भाव प्रति क्विंटल मुरादाबाद एक हजार एक सौ रूपए प्रति क्विंटल मेरठ नौ सौ क्विंटल उन्नाव एक हजार नौ सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में केले का भाव दो हजार एक सौ रूपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद पांच हजार चार सौ रूपए प्रति क्विंटल मेरठ पांच हजार एक सौ रूपए प्रति क्विंटल उन्नाव छह हजार छह सौ प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में सात हजार रूपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पपीते का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद नौ सौ पचहत्तर उन्नाव एक हजार चार सौ रूपए और लखनऊ की मंडी में एक हजार आठ सौ रूपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में अरहर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मुरादाबाद की मंडी में ग्यारह हजार तीन सौ रूपए प्रति क्विंटल मेरठ दस हजार आठ सौ पचास रूपए उन्नाव ग्यारह हजार चार सौ रूपए लखनऊ बारह हजार चार सौ रूपए प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उड़द का भाव प्रति क्विंटल मुरादाबाद नौ हजार आठ सौ साठ रूपए प्रति क्विंटल मेरठ ग्यारह हजार एक सौ रूपए प्रति क्विंटल उन्नाव नौ हजार सात सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में दस हजार सात सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव अब हमें दीजिए अनुमत नमस्कार कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है तो हर भैया एक कार्ड मेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ खुशबू की फुहार में स्वाद की बहार में तरक्की की तान में खेती मुस्कानों में हरे भरे पौधों में बड़े बड़े सौदों में मधुर भिन्न भिनाहट में खुशियों की आहट में विशन ट यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ hmm. के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ पर सुहागा यह है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाइयों नमस्कार कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि औषधीय पौधों का विपणन कैसे करें और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस कटियार जी आइए उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि सभी को नमस्कार जी डॉक्टर साहब सब सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अगर औषधि पौधों की खेती हम करना चाहते हैं हम सभी किसान भाई तो मुख्यता किन किन बातों का ध्यान रखा जाए प्रारंभ से ही किसान भाई जो भी खेती कर रहे हैं औषधि और सगंधी पौधों की जहाँ तक बाजार व्यवस्था की बात है उस पर बहुत महत्वपूर्ण यानी विषय रहता है क्योंकि उत्पादन करना तो एक तरह से आसान काम है विपणन की व्यवस्था औषधि और सगंधी यानी पौधों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनका जनरली क्या होता है कि कोई मुख्य मार्केट नहीं होता है नहीं। तो किसान भाइयों को हमारी एक ये सलाह है कि वो ग्रुप फार्मिंग करें या समूह में खेती करें और उसको नहीं पर कर पाते हैं तो कहीं मतलब कांटेक्ट फार्मिंग करें मतलब संपर्क बना लें कि कोई भी जो हम यानी उत्पादन करने जा रहे हैं आप क्या खरीदेंगे तो इन अगर दो पहलुओं को यानी सोच लें तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो हम जहां खेती करने जा रहे हैं खेती कर रहे हैं अच्छी तरह से उत्पादन कर रहे हैं तो बाजार व्यवस्था आसपास क्या है मतलब उधर स्थानीय मार्केट में कहीं कुछ बिक्री होता है कि नहीं है अगर बिक्री होता है तो किस पौधे की होती है किस जड़ की होती है किस तेल की होती है तो इस तीन चार बिंदुओं पर यानी किसान भाई जरूर अच्छी तरह सोच लें तभी यानी इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा पाएंगे और अच्छी बाजार व्यवस्था होगी तो आपका बहुत लाभ यानी बढ़ जाएगा सब जैसे कि सामान्य तौर पर जो खेती होती है तो सामान्य लाभ ही प्राप्त तो होगा जी। अगर हम ज्यादा ध्यान नहीं रखते मूल वर्धन बात करें कि मूल्य बढ़ाने के लिए किसान भाई क्या जी क्या जी। कर सकते बहुत अच्छा प्रश्न आपका है किसान भाई खेती तो करते हैं मतलब उदाहरण के तौर पर हम बताएं कि हल्दी की खेती मान लीजिए उन्होंने की और बाजार में ताजी हल्दी जिसको अंग्रेजी में फ्रेश राइजोम कहेंगे हल्दी अगर बेच देते हैं तो वो बीस रुपए किलो पंद्रह रुपए किलो बाजार में बेच के मतलब आप उनको पैसा मिलता है जो कि मतलब लागत से भी मुश्किल हो जाता है अगर उसी में वैल्यू एडिशन मतलब मूल्य वर्धन की कुछ चीजें अपना लें कुछ तकनीक थोड़ा सा अगर समय निकाल मतलब उसमें मेहनत कर लें तो वो दुगना पैसा उसी से कमा सकते हैं उदाहरण तौर पर अगर हल्दी हम प्रोसेसिंग कर लें मतलब उसका कैसे प्रसंस्करण करें कि हल्दी खाने योग्य हो जाए मतलब हल्दी को उन्होंने ग्रेडिंग कर लिया और उसके बाद उसको उबालना है हल्दी को उबाल लिया उबालने के लिए अलग अलग जो यानी हल्दी ग्रो किए हैं उसमें दो तीन तरह के किसान भाई उसमें राइजोम देखेंगे एक मदर जिसको हम लोकल भाषा के अनुसार बंडा बोलते हैं एक फिंगर मतलब जो मुख्य राइजोम इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी दो राइजोम जो मदर और यानी प्राइमरी हैं उनको अलग अलग यानी उस पर टेम्परेचर पर उबालें उबालने की एक पहचान है किसान भाई ध्यान रखें कि जन्ना ज्यादा उबले और ना कम उबले उसकी पहचान के लिए अगर उसमें पतली यानी कोई तीली मतलब यानी माचिस की तीली टाइप का ऐसा कुछ डाल के देखेंगे तो आसानी से उसमें घुस जानी चाहिए तो ये आपकी पहचान हो जाती है कि आपकी हल्दी पक गई है और इसके बाद उसको छाया में सूखने के लिए डाल देते हैं 24 घंटे बाद सूखने के बाद उसका मतलब जो ऊपर का छिक्कल होता है उसका निकालने का कोशिश करें निकालने के दो तीन विधियां हैं दो तीन बहुत साधारण हैं मतलब जो थोड़े स्केल में कर रहे हैं मतलब कम स्केल में कर रहे हैं उनको क्या करना है कि बाद की चार पाए उस पर रगड़ देंगे तो ऊपर का छिक्कल निकल जाएगा दूसरा अगर यही लार्ज स्केल पर है तो मार्केट में हेक्सागोनल ड्रम आते हैं उनमें डाल के घुमाएंगे तो भी निकल जाएंगे तीसरा और है सिंपल तरीका कि टाट है बोरा है उसमें रगड़ के निकाल सकते हैं इस हिसाब से रगड़ के निकाल कर छिकल जब निकल जाए रायजूम के ऊपर का तो यानी धूप में सूखने के लिए डाल दें जब अच्छी तरह सूख जाए तो उसमें फिर क्या करना है पॉलिसिंग करना होता है अगर किसान भाई उसका पाउडर बनाना चाहते हैं और वैल्यू यानी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो यानी और बढ़ सकता है यानी पिसवा के और बेच सकते हैं पैकिंग कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते हैं तो जो आपका उत्पाद बना हुआ है राइजोम सूखे हुए हैं उसमें एक ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से पाउडर हल्दी का पाउडर उसी पर डाल करके और किसी तरह से उसमें मिला दें तो जो बिल्कुल बाजार में आपका जो प्रोड्यूस बाजार में पहुंचेगा तो दुगनी कीमत जो आप बेच रहे थे उसकी कीमत के हिसाब से आपको बहुत अच्छा दाम मिलेगा बिल्कुल मतलब अच्छी गुणवत्ता की मतलब हल्दी आपकी तैयार हो गई ये डॉक्टर यू कहेंगे कि ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है मतलब एक साधारण साधारण का है लेकिन बहुत स... स्मार्टली का, काम मतलब कहने का अगर इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन का मूल्य वर्धन का थोड़ा सा काम कर लेंगे तो किसान भाई अवश्य ज्यादा मतलब पैसा कमा सकते हैं उसी क्रम में हम और दूसरी फसल का बताएं जैसे अदरक अद्रक खेती लोग करते हैं तो इसकी भी एक मतलब अगर थोड़ा सा प्रोसेस कर लें तो भी यानी बहुत अच्छा आपको दाम मिल सकता है जैसे कि अगर आपको अदरक से स्रोट बनानी है स्रोट बाजार में बहुत महंगी बिकती है जबकि अदरक के बहुत कम भाव मिलते हैं मतलब ताजी अदरक बेचेंगे तो कम तो उसमें क्या करना है आपको अदरक को एक छीलने के लिए मतलब चाकू का प्रयोग नहीं करना है बांस की या लकड़ी का ऐसी चाकू बनाएं जिससे वो छिल जाए अगर नहीं छील पा रहे हैं मतलब उससे नहीं छील पा रहे हैं तो उन बोरो कट्टों में कहीं टैंक है आपको उसको तो दो तीन दिन के लिए उसमें अदरक को डाल दीजिए जब वो उसका एक तरह से छिक्कल सड़ने लगेगा तो उसकी अच्छी तरह से आप रगड़ाई कर दें रगड़ाई करने के बाद आप देखेंगे कि उस पर का छिकल निकल गया है और इसमें उबालने की किसान भाइयों जरूरत नहीं है तो इसको आप यानी बिल्कुल धूप में खूब सुखा दीजिए और आपकी बाजार मतलब सोठ तैयार हो गई बाजार में बिल्कुल अच्छे दामों बिक जाएगी और ना ही आपको ये भी नहीं कि अदरक हमारा रखा है जम जा रहा है खराब हो रहा है सोट कभी भी रखी जा सकती है काफी तीनों से भंडारण कर सकते हैं कालमेक किसान इसी हिसाब से काल में का है काल में खेती लोग करते हैं औषधि पौधा है बहुत मांग है पौधे की मतलब जनरली फीवर और उसमें यूज होता है आयुर्वेद में बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है कहीं कहीं इसको हरा चिरायता भी कहते हैं किसान भाई अच्छी तरह से परिचित है लेकिन इसमें भी वही चीज आती है कि इसको भी काटने के लिए मतलब चैप कटर से काट लें अगर और भी इससे ज्यादा बढ़ना चाहते हैं तो उसका पाउडर बना लें मतलब पाउडर बन के अगर मार्केट में जाएंगे तो बहुत अच्छे दामों में बिकता है उसमें कोई ज्यादा अंतर मतलब ये नहीं अब सूखा है सुखा लिए, सुखा दिया है सब कुछ है लेकिन उसका थोड़ा सा अगर उसमें ध्यान दे, दे देंगे तो मतलब उसका मतलब कहने का छोटे छोटे टुकड़े काटें और सुखा लें थोड़ा मतलब पीस सकते हैं पिसा सकते हैं तो उसमें भी अच्छा मतलब पैसा अश्वगंधा में।, में भी फिर ऐसा ही करना अश्वगंधा में आपको बता दें अश्वगंधा में तो बहुत ही एक तरह से किसान भाई अगर अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं बहुत ध्यान देने की जरूरत है उसमें जड़ जो है दो तीन दिन ऐसे अगर आप जाएंगे तो जो बाग में हमारे अड़तिया या व्यापारी बैठे हैं बहुत गुमराह करते हैं किसान भाइयों को क्योंकि वो कहेंगे उसमें जो अल्कलाइड होता है सपोनिन उसमें है नहीं ये नहीं। है जड़ मोटी है पतली है तो उसको अगर किसान भाई थोड़ा सा जड़ खुद गई है सब कुछ होता है करते सब हैं थोड़ा सा करने की बात यह है कि उसकी कैटेगरी बना लें मतलब उसको मतलब कहने का है कि जड़ जो ए यानी ए बी सी करके मतलब बांट लें जो जड़ लंबाई है मोटी जड़ और दो और नीचे बहुत सी पतली तीस जड़ उसको कर लें अगर मतलब उसको कैटेगरी करके कर जाएंगे तो मतलब मूल्य में अलग अलग परिवर्तन होगा तो जो मोटी जड़ होगी वो यानी ज्यादा महंगी बिकेगी उससे दूसरी वाली इसके और जब एक साथ किसान भाई बेच देते हैं तो वो तो उसमें जो मूल्य मिलना मिल, नहीं। नहीं। जा, जो मिल जाता है तो उससे वो उतना अच्छा नहीं मिलता सब है सब जैसे कि आपने बताया कि औषधि पौधों की अगर खेती किसान भाई कर रहे हैं और उसका विपणन क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बाजार में सही मूल्य मिल जाए जैसे कि आपने बताया कि अगर उसकी ग्रेडिंग कर देते हैं तो हर एक का अलग अलग मूल्य और बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और जो आपने मूल्यवर्धन की बात बताई है ये बहुत ही अच्छी बात है किसान भाई के लोग अगर किसान भाई एक साथ नहीं भी कर रहे तो आधा फसल का भी कर सकते हैं मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं नया विचार है नया तरीका है नया तरीका है और उसके में सुनील जी कीमत में बहुत अंतर बहुत अंतर है चार महीने का अंतर मतलब एनी कोई भी यानी जब ग्रेडिंग करके और ये जाता तो उसके क्वालिटी क्वालिटी का डॉक्टर साहब इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो किसान भाई निश्चित तौर पर अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो डॉक्टर साहब के हिसाब से आप निश्चित तौर पर चार गुने ज्यादा दाम प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत और कर आपने वैसे भी दो तीन महीने लगातार जो मेहनत की है अपने फसल का उत्पादन किया है उत्पादन करने के बाद थोड़ा सा ध्यान और देना है मूल्यवर्धन करना है तो निश्चित तौर पर बाजार में एक बेहतर मूल्य आपको प्राप्त होगा ऐसी ही विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार